दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा का मैदान पर आया तूफान। पहले 47 गेंदों में ठोक डाले 153 रन। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो रोहित शर्मा का भयंकर बल्लेबाज का पूरा वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्यूनतम दिया, जिसमें टॉम लेथम 145 रन, ग्लेन फील्ड्स 98 और डेविड कनवे का 45 रन का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने बनाए 375 रन। इस मैच में भारत की 8 से गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी 3 विकेट लिया और कुलदीप यादव, पांड्या, शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की 8 से पारी का आगाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा करते हुए। रोहित शर्मा 87 गेंदों में 210 रन, शुभमन गिल 43 गेंदों में 67 रन बना लिया था। भारत की पहला विकेट 23 ओवर में शुभमन गिल के रूप में गिरा। शुभमन गिल की विकेट गिरने के बाद पारी को संभालने मैदान पर आया विराट कोहली ने भी मैदान में ज़्यादा देर तक नहीं टेक पाई। इसके बाद भारत की विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए, लेकिन एक छोर पर कप्तान रोहित शर्मा टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी भारत का विराट कोहली के रूप में और एक विकेट गिरा। विराट कोहली आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा का साथ देने आए। इन दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए 48 ओवर 4 बॉल में भारत ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हराया। मगर दोस्तों ये एक प्रैक्टिस मैच था।